आज हम अपने प्रोग्राम मिशन नारी शक्ति में एक ऐसी महिला से रूबरू करने जा रहे हैं जो शिक्षिका तो है ही, साथ ही महिलाओं के लिए एक आदर्श के रूप में भी हैं, और वो हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारे काम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं उपासना श्रीवास्तव जी की। इनसे बात करते हैं कि इनका जो शिक्षिका से सफ़र शुरू हुआ और जो हेल्थ से रिलेटेड अब वर्क कर रही हैं, कैसे यहाँ तक पहुँची हैं। सबसे पहले तो मैम, हमारे चैनल वी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम जानना चाहेंगे कि आपके बारे में सबसे पहले कुछ बातें जो हमें नहीं पता हैं। सबसे पहले तो आपको मनु जी और आपके माध्यम से सुन रहे हमारे सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत सादर प्रणाम है, और आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप इस तरीके से मिशन नारी शक्ति को आगे बढ़ा करके महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान में कुछ योगदान दे पा रही हैं। और आपने हमको ये मौका दिया तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमको ये मौका मिला कि हम भी आपके दर्शकों के माध्यम से कुछ अपनी बातें कह सकें, सुन सकें, और थोड़ा सा योगदान हम भी वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ दे सकें। जैसा आपने कहा, एक छोटा सा संशोधन कर देंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाना। तभी आपने कहा उपासना श्रीवास्तव, तो जी हाँ बिल्कुल, मेरा पूरा नाम डॉक्टर उपासना श्रीवास्तव है, और हम डॉक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है हमने बहुत मेहनत करी है इस उपाधि को अर्जित करने में, तो अच्छा लगता है। और 2006 से एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। मेरा पैशन रहा है, मतलब या तो कह लीजिए टीचिंग मेरे ब्लड में है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर टीचर रहे हैं, मेरे फादर टीचर रहे हैं, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग टीचर रहे हैं, तो घर से ही इंस्पिरेशन मिली एक शिक्षिका बनने की। और वो टीचिंग इज़ इन द ब्लड, इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि दिमाग में एक छवि थी, जैसे हम अपने पिताजी को या पिताजी के पिताजी को जब सड़क पे निकलते देखते थे, और देखते थे कि दूर से आता हुआ एक बच्चा अचानक से रुक जाता है गाड़ी में और उनको बोलता है गुरुजी प्रणाम, और आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि एज अ टीचर हम इतने सारे लोगों की लाइफ में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, पर जब वो बच्चा कहीं पर पहुंच करके आपको बीच सड़क पे रुक कर गाड़ी से निकल के कहता है गुरुजी प्रणाम, तो वो फीलिंग हमने देखी थी कि बड़ी अच्छी सी लगती है कि हमने कुछ किया। मतलब वो इतनी अच्छी पोस्ट पे, सब कुछ है, लोग उसके आगे पीछे भाग रहे हैं, तो एक अंदर से ये भावना जागी कि ये एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जहाँ पर हम एक साथ बहुत सारी जिंदगियों को छू सकते हैं और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये सोचकर शिक्षिका बनने का निर्णय लिया। 2006 से 2022 आ गया, अब तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत कुछ उनसे भी सीखा है। मतलब स्टूडेंट्स को लगता है टीचर जब क्लास में बोल रहा है तो वो सीख रहे हैं, लेकिन हम आपको सच बताएं, एज अ टीचर हमको हमेशा ये फील होता है अपने हर क्लास में कि जब भी आपका स्टूडेंट एक क्वेरी करता है, आपसे कुछ भी बोलता है, कुछ भी पूछता है, वो कभी कभी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, कभी कभी उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है, क्योंकि जैसे आपको ज्ञात है बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं डिग्री लेवल पे, पीजी लेवल पर, तो उनकी अपनी एक अलग समस्याएं होती हैं, वो थोड़ा सा शायद कनेक्टिविटी फील करते होंगे, तो जब भी वो अपनी कोई क्वेरी लेकर आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमने उनकी क्वेरी को सॉल्व करते करते कुछ अपने लिए सीखा है। तो शिक्षिका के तौर पर उनके जीवन में कुछ योगदान दे पा रहे हैं, और उनके माध्यम से अपने जीवन को हमें लग रहा है दिन प्रतिदिन कुछ बेहतर बना पा रहे हैं। तो शिक्षिका के रूप में एक अच्छी जर्नी है मेरी अब तक की, और ईश्वर की अगर इच्छा रही तो ऐसे बहुत सारे और आने वाले सालों तक लोगों के जीवन को छूते रहेंगे, उनसे सीखते और सिखाते रहेंगे, और साथ में जो है एज अ टीचर बहुत जगह कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, लोगों के नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया, वहाँ अपने कोलीग से रोज ना कुछ सीखते हैं। हमें लगता है हर रोज़ ज़िंदगी एक नया मंच दे देती है हमको किसी ना किसी माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। भी बोले 2 साल पहले हमको एक और मंच मिला लोगों के जीवन में काम करने का। उस मंच का शुभारंभ भी कैसे हुआ कि मेरे अपने पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आईं स्वास्थ्य से संबंधित, जिसके चलते डॉक्टर्स की विजिट वगैरह बहुत बढ़ गई थी, और तब इस मंच के बारे में हमको पता चला। तो एक अद्भुत सा रिजल्ट प्राप्त हुआ अपने घर में, परिवार में, और उसके बाद समझ में आया कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हैं। तो हमें लगा उनका मिशन है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर, बहुत अच्छा सुनने में लगता है कि आप कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जहाँ लोगों का को स्वस्थ कर रहे हैं, साथ में उनको खुशियाँ भी दे रहे हैं। तो फिर उस मंच से जाकर हम जुड़े, और
उनके माध्यम से बहुत सारी नई चीज़ें सीखी और अब कोशिश कर रहे हैं जो वहाँ से हमने सीखा है वो और लोगों तक पहुँचा सकें। तो इस तरीके से एक शिक्षिका के तौर पर हमें लगता है लोगों को विद्या दान दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा दान माना जाता है। और उसके साथ ही साथ अभी तक तो डॉक्टर सिर्फ इसलिए लगाते थे क्योंकि टीचर के तौर पर हमें डॉक्टर की उपाधि मिली हुई है, लेकिन अब जब से लोगों के स्वास्थ्य पे काम करना शुरू कर दिया है, लोगों के थैंक यूज़ मिलने शुरू हो गए हैं, तब से वास्तव में अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि हम वास्तव में शायद डॉक्टर की तरह ही कुछ ऐसा दे पा रहे हैं समाज को जो उनके हित में काम कर रहा है। तो कैसे कैसे आपसे मैम ये हेल्थ से रिलेटेड जो आप सबको दे रही हैं सेवाएँ, तो कैसे आपसे लोग जुड़ते हैं? देखिए, जुड़ने की बात तो ये है कि हम लोग किसी भी तरीके की जो हमने मंच से सीखा वो लोग बहुत ही प्योर ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो अपना किसी भी प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं तो वो आपसे अभिभूत होकर के आपके साथ अपने आप स्वतः आ जाएगा और वो आपके बारे में अपने आप ही दो चार लोगों को बताएगा। जैसे क्या होता है, अगर आपके यहाँ घर में मान लीजिए कोई बीमार पड़ा है ना, आपको किसी ने बताया कि वहाँ के डॉक्टर को दिखा लीजिए या उस हॉस्पिटल को दिखा लीजिए, वो हॉस्पिटल अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छे हैं, हम पर अगर उस व्यक्ति का विश्वास है तो हम क्या करते हैं, हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं, उस हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज कराते हैं। अगर हमें इलाज से फ़ायदा होता है तो किसी भी समय अगर हमारे जानने में कोई और व्यक्ति आता है जो सेम प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो क्या हम स्वतः उसको नहीं बता देते हैं कि आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको शायद आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो सिंपल इसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हैं हम, एक परिवार को छूते हैं जो भी हमारे संपर्क में आता है, उसके स्वास्थ्य पर ज़बरदस्त तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, और जब उसका और उसके परिवार का एक रिज़ल्ट आता है तो वो अपने आप अपने आसपास के जो संबंधी हैं, जो उसके मोहल्ले के लोग हैं, गली कॉलोनी के लोग हैं, उनको बताता है। बस इसी तरीके से, वो एक गाना है ना पिक्चर का, साथी हाथ बढ़ाना, बस उसी तरीके से हमारा मिशन भी आगे बढ़ रहा है, एक से एक मिलते जा रहे हैं लोग। जैसे हमको भी जब किसी ने मदद किया था तो उनका भी यही था, हम बस ऐसे ही जा रहे थे, उन्होंने हमको परेशान देखा, उन्होंने कहा आप आइए और एक बार अपने स्वास्थ्य पे काम करके देखिए। हमने कहा ठीक है, पता नहीं क्यों हमें विश्वास हो गया उनकी बात पर और हम वहाँ चले गए। तो वो एक होता है ना ऑरा, पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का, उस ऑरा के कारण क्या हुआ, हम वहाँ गए, मेरा रिज़ल्ट आया। और आप बिलीव नहीं करेंगी मैम कि मेरा एक कदम उस दिशा में, हमने कभी नहीं सोचा था कि आज मेरे पास इतने सारे लोग होंगे। मतलब मेरे पास सवेरे 5 बजे से जो मेरा फ़ोन थैंक यू से भरना शुरू होता है, तो रात के 10 बजे 11 बजे हम जब भी अपना फ़ोन खोलते हैं मेरे पास कोई ना कोई थैंक यू मैसेज होता है। तो ये जो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वाला सिनेरियो है, ये अपने आप में बहुत अमेजिंग फीलिंग देता है। और देखिए, लोग कहते हैं कि पैसे की बात, जैसे होता है ना, पैसा तो इंसान हर जगह खर्च कर रहा है। आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, डॉक्टर्स को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। भाई आप देखिए, कोरोना काल आया, डॉक्टर्स ने ही तो काम किया, अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो क्या हम सर्वाइव कर पाते, नहीं। लेकिन ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि कुछ चीज़ें इमरजेंसी के लिए अच्छी लगती हैं, डॉक्टर्स इमरजेंसी के लिए हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स के काम को इमरजेंसी में जो वो दवाइयाँ हमको देते हैं उसको हम अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल दें, मेरे हस्बैंड को बीपी की प्रॉब्लम थी, है ना, तो डॉक्टर ने बीपी की दवाई शुरू करी। अब बीपी की दवाई क्यों शुरू करी, क्योंकि हार्ट शायद ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होगा ना, इसलिए बीपी की दवाई शुरू करी। अब हमने क्या मान लिया, उसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ मान लिया। क्यों, क्योंकि हमने देखा था परिवार में जब भी किसी की बीपी की दवाई शुरू हुई उसकी कभी नहीं ख़त्म हुई ना, वो कंटिन्यू चलती रहती है। और जैसे जैसे वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है, वो 25 से बढ़ के 33, फिर 35, फिर 50 होने लगती है। लेकिन बाद में हमको ये समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मान के चलते हैं डिजीजेज हैं या बीमारियाँ हैं, वो एक्चुअली में बीमारियाँ होती
होती ही नहीं है। ये सारी की सारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, या जिसे हम कह सकते हैं आसान भाषा में दर्शकों की समझ में आए कि ये सब लाइफस्टाइल सिंड्रोम प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप अपने खानपान और अपनी लाइफस्टाइल पे सही तरीके से काम करेंगे तो ये जो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, माइग्रेन है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको 360 डिग्री टर्न दे सकती हैं। और मतलब ये जानकर हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत प्रमुख कारण होता है वज़न, वेट। मतलब बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है? आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूडिंग, मंचिंग की जो आदत होती है वो, और आपका वेट। आप देखिए शुगर वगैरह के पेशेंट्स को आप ध्यान दीजिए, या तो उनका वेट ज़रूरत से ज़्यादा है या ज़रूरत से कम है। तो जो बेसिकली हमारा मिशन है वो काम हमारे वेट पर करता है, वेट और लाइफस्टाइल पे काम करता है। और इस पर काम करते करते आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। मतलब कभी हमको कोई कहता है एक लाइन में डिफाइन करिए, परिभाषित करिए अपने मंच को, तो हम हमेशा कहते हैं अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। वो एक ऐसी दुनिया है जो हमारी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुनकर आपको लगेगा ना ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप एक बार आएंगे, अपने कानों से देखेंगे, आँखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, तो आपको बल विश्वास होगा। धीरे धीरे होता है, एकदम से लोगों को नहीं विश्वास होता है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं धीरे धीरे। मिशन तो बहुत बड़ा है, मेकिंग द वर्ल्ड है, लेकिन हमने इस वर्ल्ड में से अपने हिसाब से एक छोटा सा वर्ल्ड सब्स्टिट्यूट कर लिया, सराउंडिंग। पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम अपने आसपास के लोगों को बदल सकें तो भी हमें लगता है बहुत बड़ी बात है। तो ये एक शिक्षिका से, शिक्षिका तो अभी भी हैं, लेकिन एक विद्यार्थी का सफ़र प्रारंभ हुआ न्यूट्रिशन क्लब को ज्वाइन करने के बाद। दोबारा से स्टूडेंट बने, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो लाइफ बहुत अमेजिंग तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। टीचर के तौर पर विद्यादान दे रहे हैं और एक हेल्थ वर्कर के तौर पर, वेलनेस लाइफस्टाइल कोच के तौर पर हम जो है लोगों के स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम, जैसे कि आपने बताया कि मैरिड लाइफ आपकी है और दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं आपके, तो कैसे तालमेल बिठाती है? आप ये भी काम कर रही हैं, वेलनेस वाला भी, इसके साथ में शिक्षिका भी हैं आप, और फैमिली को भी टाइम देना है, तो कैसे तीनों चीज़ों को मैनेज करती हैं आप? हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मेरे पास जब गृहिणियाँ आती हैं तो वो अक्सर हमेशा ये क्वेरीज लेकर के आती हैं कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने ये जो बातें बोली मेरे बारे में, इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देंगे कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो बाहर पोस्टेड हैं, तो परिवार है, बच्चे हैं, हस्बैंड बाहर हैं और हम अकेले हैं। और आपको बिलीव होगा, अगर कभी मौका मिला तो आप मेरी मदर इन लॉ वगैरह से मिलेंगे तो वो हमेशा कहती मेरी डॉटर इन लॉ के जैसी कोई डॉटर इन लॉ नहीं होगी। मतलब हमें लगता है ये शब्द सुनने के बाद कि बहू के तौर पर हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें संभव क्यों हो पा रही हैं? इसके पीछे का जो कारण है वो मुख्य दो तीन कारण हैं जो हम सबको आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हैं सुन रहे हैं उनको बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये चीज़ रियलाइज़ करिए कि हम हैं तो सब है, जिस दिन हम नहीं होंगे उस दिन कुछ नहीं होगा, है ना। हम अपने बच्चों का टिफ़िन क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि हम हैं। हम अपने सास ससुर की सेवा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम हैं। हम अपने परिवार को खुशियां क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि हम हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षित क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम हैं। आई बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और हम अपनी लाइफ में इस आई को छोड़ करके बाकी सब चीज़ों को पकड़ लेते हैं, है ना। मैं की बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं मैं, हम लोग तो लखनऊ के हैं ना, हम लोग तहजीब वाला शब्द बोलते हैं हम। अगर हमारे सामने कोई मैं बोलेगा तो हमें लगता है अहंकार का बोधक है, ईगोइस्टिक वर्ड साउंड करता है मैं। लेकिन अन्यथा ना लेते हुए इस मैं को आप वास्तव में अपने सामने रख कर देखिए, तो सेंटर तो हम ही हैं ना। हम हैं तो मेरा परिवार है, हम हैं तो कॉलेज है, हम हैं तो बच्चे हैं। हम ही नहीं होंगे तो इन सब का देखरेख कौन करेगा? इन सब की देखरेख करने के लिए ज़रूरी है हम अपने को इम्पोर्टेंस दे सकें, है ना। अपने को इम्पोर्टेंस देने की का मेरा मतलब ये है कि आप अपने लिए समय निकालिए। अपने लिए हम समय कब निकाल पाएंगे? जब हम टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे।
आपको बिलीव होगा, हम अपने स्टूडेंट्स को ये बात सिखाने की कोशिश करते हैं। और एक छोटी सी थ्योरी है जो हम अपने बच्चों को अक्सर बोलते हैं, 20:80 का रेशियो। ये 20:80 ना हर जगह लागू होता है। जैसे अगर आप बच्चे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस समय हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप देखिए 20% हमारा लाइफ का, अप्रॉक्सीमेटली हम अपनी लाइफ का अगर स्पैन देखें तो उसमें से 20% समय ऐसा है जो हमें हार्ड कोर डेडिकेट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के प्रति, स्टडीज़ के प्रति। क्यों? हम बच्चों को ये कहते हैं अगर इस समय 20% समय आपने सिंसियरली अपनी पढ़ाई को दे दिया और समाज को नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, आने वाले 80% समय में इसी 20% समय के दम पर 80% समय अपनी लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को इंजॉय करेंगे और ये समाज आपके पीछे पीछे रहेगा। अगर ये 20% समय आपने समाज को दे दिया, बच्चे क्या करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्टेटस, स्पीकिंग इनटू अदर पर्सन्स लाइफ, आप देखिए रियलाइज़ नहीं होता। हमेशा हम कहते हैं आप सुबह से लेकर रात तक कितनी देर व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, स्टेटस चेक कर रहे हैं, फेसबुक पे स्टोरीज चेक कर रहे हैं, इसको एक बार बस नोट करिए और आप देखिएगा कि आप कितना सारा समय नष्ट कर देते हैं दूसरों की जिंदगियों में झांकने में, है ना। इस समय को हमें बचाना है। एक बार देखिए, फिर फ़ोन को थोड़ा सा दूर रख दीजिए। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो टाइम मैनेजमेंट से गवर्न होता है। हम अपनी ही लाइफ को जज करते हैं तो हमें देखते हैं, एक बार अगर हम व्हाट्सएप स्टेटस डाल देते थे तो आप मैम बिलीव नहीं करेंगी, हम एक घंटे में 10 बार चेक करते थे किसने किसने सीन किया है। अब 10 बार चेक करने में 10 लोग तो वही होते थे ना जो पहले देख चुके हैं, लेकिन हम उसको फिर भी स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर हम 2 घंटे बाद देखते मान लीजिए तो भी तो हमें वही लोग दिख जाते हैं ना, लेकिन हर 10 मिनट पर स्टेटस चेक करने से क्या हो रहा है, हम अपना टाइम किल कर रहे हैं, है ना। ऐसे लाइफ में बहुत एग्जांपल है। हमने क्या किया, हमने अपने पूरे दिनचर्या को व्यवस्थित किया। आप सब लोग ये कर सकते हैं। आप एक रफ एस्टिमेट रखिए, दिन में आप 6 से 7 घंटा सोते हैं, 4 घंटे की मेरी कॉलेज लाइफ है, 2 घंटे मेरा आने जाने का समय है, तो कितना समय निकला, 6, 6, 12 और 1, 13 घंटे निकल गया। 2 घंटे खाना बनाने का निकाल लीजिए, 15 घंटे हो गया, अभी भी 24 घंटे हैं, हम 7 घंटे सो चुके हैं। 1 घंटा निकाल लीजिए हमने हाउस होल्ड वर्क में निकाला, नहाना धोना कपड़े छाटना, 14 घंटे हो गया। 2 घंटे बच्चों को पढ़ा दिया, 16 घंटे हो गया। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैलकुलेट करती जाइए, छोटी छोटी चीज़ों को भी कर लीजिए, आप बिलीव नहीं करेंगे आपके दिन के 1 से 2 घंटा ज़रूर होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा जीवन का कहाँ जा रहा है। यही हमें 1 से 2 घंटे जीवन के पकड़ने हैं, यही हमने पकड़े हैं, है ना। तो शुरुआत में थोड़ा सा अपनी फैमिली को, थोड़ा सा अपने कोलीग्स को, थोड़ा सा अपने जानने वालों को ये समझाना पड़ेगा कि मेरा समय है और ये मेरा है ना। हम अपने जो लोग आते हैं, जो मेरे संपर्क में आते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर आपको दिन में कोई समय नहीं मिल रहा है तो सवेरे 15 मिनट जल्दी जगिए, अगर आप 5:30 पे जगते हैं तो 5:15 पे जगिए, और 5:15 से 5:30 बजे का समय मी टाइम के लिए रखिए, ये मेरा है। और आप देखिएगा वो 15 मिनट आप सिर्फ जब अपने लिए बैठते हैं ना, आप यहाँ से इतना रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है, वाओ 24 घंटे में से 15 मिनट मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने को दिया है। अपने को शीशे में देखिए, इमेजिन करिए हाउ ब्यूटिफुल आई एम, ये पॉजिटिविटी है। हम कहना भूल जाते हैं अपने आप से कि हम सुंदर हैं, हम तैयार होते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि कैसे दिख रहे हो, है ना। अभी तैयार होने से पहले हमने भी तो यही किया ना, हमने आपसे क्या पूछा, मैम कैसे दिख रहे हैं, है ना। लेकिन उसके पहले क्या है, हमने शीशे में अपने को देख कर बोला था उपासना, यू आर ब्यूटिफुल। दिन भर में आप चाहे कैसे भी दिखते हो, एक बार ज़रूर अपने को शीशे में खड़े होकर बोलिए यू आर ब्यूटिफुल, यू आर गॉर्जियस। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना वो कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आप अपने बेटे का टिफ़िन बना रहे हैं, अगर आप नहीं होंगे तो आपके बेटे का टिफ़िन कोई बनाएगा, नहीं बनाएगा। लेकिन आपका बेटा आपको थैंक यू बोलता है टिफ़िन बनाने के लिए, किसी का भी नहीं बोलता है, नहीं बोलता ना। क्यों? क्योंकि हमने उसको रियलाइज़ ही नहीं कराया है कि हम आपके लिए कुछ पेंस ले रहे हैं। आपको परिवार में अपने, आपका बॉस आपको कभी थैंक यू बोलता है? बोलता है।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने अपने काम से उनको प्रभावित कर रखा है। उनको पता है अगर मनु मैम जिस दिन हट गई ना, तो उनके पास से एक डेडिकेटेड एंकर हट जाएगा, जो मनु मैम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं उनके पास, इसलिए वो आपको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन हमारे परिवार वालों को हम ये रियलाइज़ ही नहीं कराते हैं कि आपके पास मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उनको लगता है ये तो है ही, एंड दे स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। आपको क्या करना है, टाइम मैनेज करना है, लोगों को रियलाइज़ कराना है कि हम अपने काम कर रहे हैं, पर आपको ये समझना है कि हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं। मैम आप जो है इतनी फिट हैं, आपके बड़ा बेटा तो काफ़ी बड़ा हो गया है, छोटा भी बड़ा ही हो रहा है, तो ये फिट होने का राज उन महिलाओं को बताइए जो अपने फिगर को लेके बहुत कॉन्शियस रहती हैं और टेंशन में रहती हैं। हाँ, ये हम ज़रूर बताना चाहेंगे क्योंकि हमको भी ये रियलाइज़ हुआ, मतलब अभी हमको देखकर नहीं लग रहा है 58 kgs की उपासना आज से 2 साल पहले 58 की थी, नहीं, आज से 2 साल पहले ये उपासना 77.8 kgs की थी और बहुत सारा दर्द था, तकलीफ़ थी शरीर में और इसी कारण से सारे काम को ठीक से सुचारू रूप से कर भी नहीं पा रहे थे। फिर जैसे हमने आपसे कहा 2 साल पहले इस मंच से आकर जुड़े और इस मंच पर आने के बाद अपने आइडियल वेट की एक हेल्दी वेट लॉस की जर्नी को आरंभ किया। 4 माह में लगभग 20 किलो का वज़न कम किया और इस 20 किलो के वज़न कम करने के बाद हमारा जो इंटरनल हेल्थ है वो भी अच्छी हुई। मतलब ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, हेल्दी वेट लॉस हम लोग इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप किसी और, क्योंकि हमने देखा, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आजकल फ़िट होने का, तो वो गलत तरीके से फ़िट हो रहे हैं। दुबले होने की दौड़ में आप जो तरीका अपना रहे हैं दुबले होने का, वो सही होना बहुत ज़रूरी है ना, अंदर से वीक होना। जैसे आप देखिए, लोग समझते हैं वेट मैनेजमेंट कैलोरी कट करने का प्रोसेस है और उस चक्कर में वो लोग कैलोरीज कट कर रहे हैं इस तरीके से कि दिन में 8-8, 10-10 घंटे खाना नहीं खा रहे, भूखे रह रहे हैं। शरीर को ताड़ना देकर कुछ नहीं करना है ना, प्रॉपर तरीके से खाना खाना है क्योंकि हर खाने की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 3 से 3.5 घंटे में आप जो भी खाना खा लेते हैं उसको पचा लेता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराया और गाड़ी दौड़ाना शुरू करी। अब गाड़ी का पेट्रोल एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है, निर्जीव है ना, नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया तो वो तुरंत वहीं खड़ी हो जाएगी, चाहे आप जाम में खड़े हो, चाहे आप बीच चौराहे पर रेड सिग्नल क्रॉस मतलब होने वाला हो, वो आपकी नहीं सुनेगी, वो खड़ी हो जाएगी, हाथ पैर डाल देगी, भैया हम नहीं चलने वाले हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है उसमें हम ईंधन नहीं डाल रहे हैं, यानी खाना नहीं डाल रहे हैं, लेकिन शरीर क्योंकि हमारा लिविंग है, हमारे ऑर्गन बेचारे कहते हैं नहीं बेचारी इतना तो कर रही है, थोड़ा साथ दे देते हैं, अभी थोड़ी देर में खिला देगी, काम करते रहते हैं, थोड़ी देर में खिला, वो सोचते रहते हैं बेचारे कि पेट सोच रहा है अभी थोड़ी देर में कुछ खिला देगी, थोड़ा साथ दे दो। हार्ट क्या कह रहा है, नहीं थोड़ी देर अभी धड़कते रहो, अभी ये थोड़ी देर में जो है कुछ खिलाएगी, हमारा ईंधन डाल देगी। और यही थोड़ी देर कर करके हम उनको क्या करते हैं, घसीटते जा रहे हैं और धीरे धीरे क्या होता है, हम क्या कहने लगते हैं कि अरे बुढ़ापा आ गया है ना, अब तो क्या है घुटनों का दर्द हो नहीं है, अब तो क्या है बीपी शुगर हो नहीं है। लेकिन ये नहीं समझते हैं ये बीपी शुगर और घुटनों का दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस समय हमारे ऑर्गेन्स बिल्कुल इंटैक्ट थे, नई ऊर्जा के साथ थे, जिस समय वो कहते थे भैया ईंधन डाल दो, हम उस समय सही समय पर और सही तरीके का ईंधन नहीं डाल रहे थे। और यही है हमारी सेहत का राज। अगर आप हमारे संपर्क में आता है कोई भी व्यक्ति, हम ये बात क्लियर करते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे दर्शक होंगे जो हमको सुनेंगे, तो वो किसी भी प्रकार के भ्रम में ना जाएं कि हमारे साथ जो कोई आता है उसका हम शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन ठीक करते हैं या कैंसर और लिवर ठीक करते हैं। नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेट पर काम करते हैं। वेट पर काम करने के साथ में आपके जो भी रिज़ल्ट आते हैं वो सब आपका बोनस है। रिज़ल्ट क्यों आते हैं, क्योंकि हम आपको हेल्दी लिविंग देते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल देते हैं। उस लाइफस्टाइल को अगर आप फॉलो करते हैं, हम आपको बैलेंस डाइट का कंसेप्ट समझाते हैं कि आपको दाल चावल रोटी सब्जी खानी है तो किस कंसेप्ट से खानी है। अगर आप उस कंसेप्ट पे चलते हुए अपनी थाली को डिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आपको मिलते हैं, लेकिन वो सारे आपके बोनस हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको आपके आइडियल वेट पर पहुँचाते हैं। अगर आपका वेट कम है तो उसे बढ़ाएंगे,
ज़्यादा है तो कम करेंगे, और अगर ऑलरेडी आप आइडियल वेट पर हैं तो आपको बताएंगे कि आप कैसे ताउम्र अपने उस आइडियल वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारा काम है, पर इसी काम के चलते हम जिस मंच को अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जैसे विशेषण देते हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारे, हम कोई मेडिकल क्लेम्स नहीं करते हैं क्योंकि दवाइयाँ डॉक्टर्स देते हैं, बंद कराने का अधिकार भी क्योंकि जिसने दिया है अधिकार उसी के पास है ना, तो बंद कराने का अधिकार भी डॉक्टर्स के पास है। लेकिन हम आपको वो रास्ता दिखा सकते हैं जिस पर चलकर आप अपने डॉक्टर्स की गाइडेंस में रहते हुए अपनी मेडिसिन को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम इस खास बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच मैम हमको एक मौका देने के लिए, और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में आया होगा। और मेरा अगर आपको लगता है कि हमने अपने जीवन में कुछ चेंज किया, हमको देखकर अगर आपके दर्शकों को कुछ पॉजिटिविटी आती है, कुछ सकारात्मकता आ रही है, तो हम उन सबसे अनुरोध करेंगे कि जो दो बातें हमने कही, आई इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड मी टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, टाइम मैनेजमेंट पे काम करते हुए इन दो अनछुए पहलुओं पर काम करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ उपासना श्रीवास्तव मैम जी, जिन्होंने हमें हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया है, और उन्होंने अपने काम को लेकर किस तरह से तालमेल बैठाया ये भी बहुत बड़ी बात है। वो अपनी फैमिली को भी कैसे टाइम दे रही हैं, और जो वेलनेस वाला उन्होंने, जो वेलनेस वाले से काम से जो जुड़ी हैं, वो कैसे मतलब लोगों को तक हेल्थ से रिलेटेड जो भी काम कर रही हैं, आप भी इनसे जुड़िए। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वेट आपका ज़्यादा है या कम है, तो आप इस वेलनेस ग्रुप से ज़रूर जुड़िए और ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने खुद मैम को देखा है कि पहले मैम क्या थी और अब क्या हो गई हैं, बहुत चेंज आ गया है इनमें। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज़ लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।